नो हाउ टू प्ले विद वर्ड्स एंड गर्ल्स। लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो। आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है। मैं थी अपनी तरफ से, मैं बहुत अच्छे 72 दिन मैं उस इंसान के साथ रहकर आई हूँ, वही सेम अभी भी चेप रहा है वो, सेम गेम सेम। So guys, अंजलि अरोरा को तो आप सब जानते ही हो जो कि मुनव्वर फारूकी के साथ लॉक अप सीजन 1 में थी। तो गाइज यहाँ पर रिसेंटली अंजलि अरोरा ने शुभंकर मिश्रा के चैनल पर एक पॉडकास्ट दिया है जहाँ पर इन्होंने भी मुनव्वर फारूकी के ऊपर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं और इस पॉडकास्ट में उन्होंने मुनव्वर फारूकी के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो सब कुछ मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप सब इस रिक्वेस्ट के वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज यहाँ पर सबसे पहले शुभंकर मिश्रा ने पूछा कि सोशल मीडिया पर ये चीजें बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि आप मुनव्वर फारूकी की गर्लफ्रेंड थी और भाभी भाभी 2 और भाभी 3 करके बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर आप भी इंक्लूड हो। जिस बात शुभंकर मिश्रा बोलते हैं कि ये सारी बातें सच थी, जिसके बाद अंजलि अरोरा बोलती है कि ऐसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं। शुभंकर मिश्रा बोलते हैं कि लॉकअप से जाने के बाद आप दोनों रिलेशनशिप में थे लेकिन ऑलरेडी उनकी उस वक्त भी बाहर गर्लफ्रेंड ऑलरेडी थी, तो उस वक्त आपको अजीब नहीं लगा? जिसके बाद अंजलि अरोरा कहती है कि वो सिर्फ उन्होंने गेम के लिए किया था, ऐसा उनका कहना है, लेकिन मुझे नहीं लगा था और मेरी तरफ से सब कुछ जेन्युइन था, सब कुछ रियल था। और इस पर जो है मुनव्वर फारूकी पर पूरा आर्टिकल भी आया था जहां पर उन्होंने जो है इस रिलेशनशिप को क्लोजर दे दिया था और उस वक्त जो है उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड को भी मना लिया था कि ये सब जो है गेम के लिए था, ऐसा कुछ भी नहीं था उनके बीच। तो यहाँ पर साफ शब्दों में उनका कहना यह है कि लॉकअप में अंजलि अरोरा के साथ रिलेशनशिप में बनाने के बावजूद भी उनकी उस वक्त बाहर भी एक गर्लफ्रेंड थी एंड उस वक्त जो है मुनव्वर फारूकी ने सबसे पहले चीट किया अंजलि अरोरा के साथ कि उन्होंने नहीं बताया था कि बाहर उनकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। और इसी के साथ साथ अंजलि अरोरा ने उन पर यह भी ब्लेम किया है कि मुनव्वर फारूकी सेम स्ट्रैटेजी जो है बिग बॉस के अंदर भी अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भी वो वही शायरियाँ बता रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं एंड वहाँ भी वो लड़कियों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि मुनव्वर फारूकी सिर्फ गेम के लिए जो है लड़कियों को यूज करते हैं। इसी के साथ साथ अंजलि अरोरा ने मुनव्वर फारूकी पर यह भी आरोप लगाया है कि वो जो है लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी बातों की जाल में वो लोगों को फंसा लेते हैं और इस तरह इन्होंने बोले कई सारी लड़कियों को फंसाया है। वेल सामने यहाँ पर 4 तो सामने ही नजर आ रही है एंड इसके अलावा भी कितनी होंगी क्या पता। वेल दोस्तों इस सब के बारे में आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके जरूर बताना। चाहते हुए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना क्योंकि मुनव्वर फारूकी एंड बिग बॉस से रिलेटेड हर छोटी बड़ी न्यूज हम इस वक्त आपके लिए लाते रहते हैं गाइस, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।